हेलो गाइस, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मावा गुजिया। तो गाइस, एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि आज थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, तो डोंट बी कंफ्यूज। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मावा गुजिया। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग उसको देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, ठीक है। उसके बाद हमारा सीव रहेगा ताकि हम मैदे को अच्छे से छान लें। तो हम मैदा जो है 2 कप लेंगे, और ये जो कप है हमारा 250 ग्राम का है। तो गाइस, हम लोगों ने मैदा ले लिया, इसको छान लिया अच्छे से। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है हमारा है वो रिफाइंड ऑयल है। इसको पहले हम लोग मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो हमें इसमें रिफाइंड ऑयल जो है डालकर इसको हमें मिक्स करना है, और हम मिक्स तब तक करेंगे जब तक कि ये जो पूरा मैदा है हमारा ये पूरी मुट्ठी में बंद ना जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको रिफाइंड डालकर अच्छे से मैश कर लिया है। देखिए हमारा जो है वो मुट्ठी बंद जा रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को करना है ताकि ये जो इसको नीट करते समय हमारा जो है और गुजिया बनाते समय काफ़ी क्रिस्पी हो। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट हम लोग लेंगे पानी, ताकि इसको हम लोग अच्छे से नीट कर लें। हमें इसको नीट करने के लिए थोड़ा सा ही पहले पानी डालना है। हम लोग हिसाब से पानी डालेंगे और इसको नीट करेंगे। एक चीज़ का ध्यान देना है हमें कि इसको हम लोग गूँथते समय जो है ऐसा गूँथेंगे कि ये रोटी के आटे की तरह नरम ना हो। इसे थोड़ा सा सख्त रखना है ताकि जो हमारा गुजिया का ऊपरी परत हो, सख्त रहने की वजह से क्रिस्पी होगा। तो हम लोगों ने देखिए अपना डो तैयार कर लिया है, और इसको डो तैयार करने के बाद हम लोग इसको कुछ देर के लिए ढक कर रख देंगे, और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या स्टफ़ करना है। इसे हम लोग कॉटन के कपड़े से गीला करके ढक कर रखेंगे ताकि जो हमारा डो है सॉफ्ट बना रहे। गाइस, हमारे आज की रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारा मावा, और इसे मैंने कल रात को ही, गाय के दूध का है ये, इसे मैंने कल रात को ही बना लिया था। तो ये मावा में हम लोगों को नेक्स्ट क्या मिलाना है, ये है हमारा शक्कर। 250 ग्राम मावा है, तो हम इसमें 250 ग्राम ही, जितना मावा रहेगा उतना हम शक्कर ऐड करेंगे। इससे हम लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से मिक्स कर देना है, और हमें इसके अलावा भी इसमें इलायची पाउडर डाल देना ताकि अच्छी फ्रेग्रेंस आए इससे। तो हमने इसमें शक्कर जो है ऐड कर लिया, थोड़ा सा मेरे मावा में मॉइस्चर है। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने सुविधा के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से इसको डाल सकते हैं। ये हमारा ड्राई फ्रूट्स, मैंने इसमें काजू को थोड़ा सा क्रश कर दिया है, और किशमिश है। तो इसे आप पसंद करें तो डालें, अन्यथा ये जो है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने राउंड रोटी की तरह इसको बेल लिया है, इसको हम लोग बीच से कट करेंगे। गाइज, आज हम लोग जो गुजिया बना रहे हैं, मैं इसको गुजिया मोल्ड में नहीं बनाऊंगी, हाथ से ही बनाऊंगी। ये ऑप्शनल है, आप अगर आपकी खुशी, आप अगर इसे मोल्ड में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे हाथ से बनाकर दिखाऊंगी। तो इस तरीके हमने इसमें थोड़ा सा खोआ डाल दिया, और इसके एजेस पर हमें थोड़ा सा पानी जो है लगाना होगा, ताकि जो है अच्छे से स्टफिंग जो है हमारा ठीक से हो, और ये एजेस जो खुले नहीं तलते समय। तो इसे हम ऐसे हाथों से ही किनारे को बंद करते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो ये गुजिया शेप में हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बढ़ते हैं। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, तेल में हम लोग बारी बारी से अपनी गुजिया को डालेंगे, और इतना ध्यान रखना है हमें कि जो उसका फ्लेम जो है लो होना चाहिए, ताकि गुजिया धीरे धीरे। तो गाइस देखिए, हमारा जो गुजिया है बनकर तैयार हो गया है, और इसे तुरंत गरम गरम नहीं, इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा ताकि क्रिस्पी हो जाए। और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों को ये रेसिपी जो है मावा गुजिया बहुत पसंद आएगी। तो गाइस, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।